क्वेश्चंस और हैं, इनको करते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और बेसिस सेट हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन दिया, पहले इसको देख लेते हैं, देखिए फिर ऊपर वाले को करेंगे। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बी बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस आर क्यू। ए बी सी बेसिस है किसकी? वेक्टर स्पेस आर क्यू की, ठीक है। और ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए कॉमा, ये दो सेट दे रखे हैं, इज ऑल्सो बेसिस। हमें प्रूव करना है कि ये भी क्या होगी? बेसिस होगी आर क्यू की। तो हम क्या ले लेते हैं? बेसिस प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ता है लीनियरली इंडिपेंडेंट और एल एस इक्वल टू बी। ये बेसिस है। अगर मैं इसको प्रूव कर लूं कि इसमें भी तीन ही एलिमेंट है, इसमें भी तीन ही एलिमेंट है, अगर तीन एलिमेंट से बनने वाला फाइनाइट डायमेंशनल होगा, आर क्यू फाइनाइट डायमेंशनल है, उसकी बेसिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट तीन होते हैं। अगर हम प्रूव कर दें ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, तो वो सेट क्या हो जाएगा? बेसिस फॉर्म कर देगा, सिंपल सी बात है। तो हम x, y, z तीन स्केलर ले लेते हैं, सच दैट x ऑफ अल्फा मींस a प्लस बी, प्लस y ऑफ b प्लस सी, प्लस z ऑफ c प्लस ए इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। लीनियर कॉम्बिनेशन इसका जीरो के बराबर रख देते हैं। अब देखिएगा आप, ए प्लस बी, यहां से ए प्लस बी प्लस जीरो सी ऑफ ए प्लस बी, इनको एक साथ लिख लेते हैं ना, एक्स ए एक साथ कर देते हैं पहले, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस वाई बी प्लस वाई सी प्लस जेड सी प्लस जेड ए इज इक्वल टू जीरो 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 हो गए। नाउ अब देखिए ए वाले एक साथ लिख दीजिए आप, ए कॉमन आ जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? एक्स एक्स ए, एक्स प्लस जेड ना, एक्स प्लस जेड ऑफ ए प्लस अगला क्या मिलेगा? बी कॉमन आएगा तो एक्स प्लस वाई ऑफ बी प्लस सी कॉमन आएगा तो वाई प्लस जेड ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है कि ए बी सी क्या है? बेसिस है। ए कॉमा बी कॉमा सी बेसिस है, तो इसका मीनिंग ये एल आई तो होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब इसके कोफिशियंट जो है, हम कहते हैं ना ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, तो ए बी सी जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि वो बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। इसी तरीके से ये क्या मिलेगा मुझे? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो कॉमा, यहां से क्या मिलेगा? सॉरी, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो कॉमा, यहां से क्या मिलेगा? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, और यहां से क्या मिलेगा? वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। अब इसकी हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेते हैं, क्या आएगा? वन जीरो वन, यहां से क्या मिलेगा? वन वन जीरो, यहां से क्या मिलेगा? वन सॉरी जीरो वन जीरो। रैंक निकालते हैं इसकी, वन जीरो वन सेम रहा, आर टू माइनस आर वन ये जीरो हो गया, वन हो गया, माइनस वन हो गया, यहां से ये तो जीरो है ही है, और यहां वन और ये जीरो, और एक बार और ऑपरेशन करूंगा इसमें, ये जीरो हो सकता है, जीरो और ये कितना हो जाएगा? सबट्रैक्ट करके वन, ठीक है। तो रैंक कितनी होगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की? रैंक रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू थ्री। इट मीन ये सिस्टम कैसा है? होमोजीनियस है ना, सिस्टम कैसा है? होमोजीनियस है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक कितनी है? तीन। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो, एक्स वाई जेड के आगे जीरो आगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये क्या हो जाएगा, ये जो दिया गया सेट है ये वाला, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, और डायमेंशन तीन है तो ये क्या बना देगा? बेसिस सेट फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिस बना देगा, पहला पार्ट तो बेसिस बन गया। अब हम दूसरे की बात करते हैं, देखते हैं दूसरा भी बेसिस बनाता है नहीं बनाता है। तो उसके लिए सेम प्रोसेस होगी, हमें दिया गया है, हम ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड रियल नंबर सच दैट, सीधे लिख रहा हूं मैं लीनियर कॉम्बिनेशन, एक्स ए प्लस वाई ए प्लस बी प्लस जेड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। इट मींस एक्स ए प्लस वाई ए प्लस जेड ए, इन तीनों को एक साथ लिख दिया मैंने, प्लस अगला आएगा वाई बी प्लस जेड बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। कंपेयर कराते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, सॉरी पूरा लिख लेते हैं इसको, प्लस वाई प्लस जेड ऑफ बी प्लस जेड ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो जीरो जीरो, जीरो वेक्टर है। कंपेयर कराइए आप, जेड इज इक्वल टू जीरो और यहां से
y प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, इनको कंपेयर कराएंगे ना जीरो के इक्वल। यहां से देखिए जेड जीरो आ गया तो ऑब्वियसली वाई जीरो हो जाएगा, वाई और जेड जीरो हो गए तो ऑब्वियसली एक्स जीरो हो जाएगा। तो क्या मिला मुझे, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाई दिस आल्सो फॉर्म ए बेसिस। ये वाला पार्ट भी क्या फॉर्म कर रहा है, बेसिस, क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया और आर क्यूब फाइनाइट डायमेंशनल है, उसकी डायमेंशन तीन है तो तीन का सेट बेसिस वो एल एस इक्वल टू वी देगा, तो हम कह देंगे क्या बना देगा, बेसिस बना देगा। तो इसका मीनिंग इसके जो दो पार्ट दिए थे दोनों के दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, बेसिस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि सो दैट इफ एल्फा वन एल्फा टू अप टू एंड सो एल्फा एन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, यदि एल्फा वन से लेके एल्फा एन तक का सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है एंड ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन माइनस वन आर एनी स्केलर, ए वन से लेके एन माइनस वन तक कोई स्केलर है, देन द सेट, ये सेट हमें जो दिया है इज ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट, मुझे ये सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। इसमें वेक्टर कैसे हैं, इस तरीके से वेक्टर दे रखे, देखिए ये वेक्टर दिए हैं, तो इनके लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हम क्या करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के इक्वल रखते हैं और यदि सारे स्केलर जीरो आ गए तो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे कंसिडर करने पड़ेंगे लेट बी वन कॉमा बी टू अप टू एन सॉन बी एन माइनस वन स्केलर है, फील्ड के एलिमेंट है, ठीक है। अगर ये फील्ड के एलिमेंट है तो बी वन इंटू क्या, एल्फा वन ए वन एल्फा वन प्लस बी टू इंटू एल्फा टू माइनस ए टू एल्फा एन प्लस अप टू एन सॉन बी एन इंटू एल्फा एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस वन एल्फा एन इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, इसको मैंने जीरो वेक्टर के इक्वल लिख दिया। अब बात करते हैं बी वन एल्फा वन प्लस बी टू एल्फा टू प्लस अप टू एन सॉन बी एन एल्फा एन माइनस वन, एक साथ लिख देता हूं मैं, प्लस बी वन अगला क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का बी वन ए वन माइनस बी टू ए टू अप टू एन सॉन बी एन एल्फा एन माइनस वन और बाहर से एल्फा एन इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, सिंपल सा है। अब हमें दिया गया है देखिए एल्फा वन से लेके एल्फा वन से लेके एल्फा, ये जो टर्म होगा ये बी वन एल्फा वन बी टू एल्फा टू एल्फा एन सॉरी एल्फा एन तक जो वैल्यू है, एल्फा वन एल्फा टू एल्फा एन तक का सेट मुझे क्या दे रखा, लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखा। अगर एल्फा एन तक का सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसके जो कोफिशिएंट होंगे वो जीरो होंगे, इसके कोफिशिएंट जीरो का मीनिंग क्या हो जाएगा, बी वन इज इक्वल टू जीरो बी टू इज इक्वल टू जीरो डॉट डॉट बी एन इज इक्वल टू जीरो, ये बी एन ही होगा, ये क्या दिया है बी एन माइनस वन होना चाहिए ना, हमने सेट ले रखे हैं बी एन माइनस वन तक, तो ये होगा बी एन माइनस वन सॉरी बी एन माइनस वन, तो बी एन माइनस वन जीरो हो गया, ये सब के सब जीरो हैं और इसका कोफिशिएंट भी जीरो होगा, ये वैसे भी देखिए ये बी वन बी टू सारे के सारे जीरो हैं, बी एन माइनस वन तक यहाँ जीरो रखते हो वैसे भी जीरो है, तो वो भी क्या हो जाएंगे आपके पास पूरा का पूरा पोर्शन माइनस बी वन ए वन माइनस बी टू ए टू अप टू एन सॉन बी एन माइनस वन ए एन बराबर जीरो, सारे के सारे कोफिशिएंट जीरो आ गए, तो इसका मतलब जो दिया गया सेट है वो दिया गया सेट क्या है, दिस, ये पूरा का पूरा सेट भी क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। सो दैट क्या कह रहा, देखिए सो दैट द सेट एफ इक्वल टू दिस ऑफ एन प्लस वन पॉलिनोमियल, एन प्लस वन पॉलिनोमियल इज ए बेसिस इन एक्स, इज ए बेसिस ऑफ पी एन आर, आर फील्ड है यहाँ पे, पी पॉलिनोमियल्स को डिनोट करता है पी एन, ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन एक्स डिग्री एटमोस्ट एन इज ए वेक्टर स्पेस, हमें सेट एस इज इक्वल टू दिया गया है वन कॉमा एक्स कॉमा एक्स पावर एन, तो इसको बेसिस फॉर्म करने के लिए डिग्री एटमोस्ट एन बोलता है, ठीक है, सबसे पहली बार एन डिग्री, एन डिग्री का मैं ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू एन सॉन ए एन एक्स पावर एन एक पॉलिनोमियल लेता हूं, तो देखिए इसको कैसे लिख सकता हूं, ए जीरो इंटू वन प्लस ए वन इंटू एक्स प्लस ए टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू एन सॉन ए एन इंटू एक्स पावर एन, ये जो n प्लस वन वेक्टर्स हैं इनके लीनियर संबंध में लिख पा रहा हूं,
इससे तो मुझे रिजल्ट मिल गया एल एस इज इक्वल टू वी, एल एस इक्वल टू वी, इनका लीनियर रिस्पॉन्स से आप एक एन डिग्री का एक पॉलिनोमियल जनरेट कर पा रहे हैं, तो एल एस इक्वल टू वी मिल गया हमें इससे। अब यदि हम प्रूव कर दें ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है तो ये बेसिस फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी इसको हम प्रूव कर सकते हैं। हमने क्या किया, ए अल्फा ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू अप टू एन सो ए एन अल्फा एन इज इक्वल टू जीरो वेक्टर रखा। जीरो वेक्टर का मतलब यहाँ जीरो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, ये भी जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए वन ऑफ वन प्लस ए टू ऑफ एक्स प्लस अप टू एन सो ए एन ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस अप टू एन सो जीरो एक्स पावर एन लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और दो पॉलिनोमियल को जब आप कंपेयर कराते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कराते हैं, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ए वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू इज इक्वल टू जीरो, अप टू एन सो ए एन इज इक्वल टू जीरो, सारे के सारे स्केलर क्या मिल गए, इसके जीरो मिल गए। अगर सारे के सारे स्केलर जीरो मिल गए तो ये क्या बना देगा, बेसिस फॉर्म कर देगा। अब यहीं से आपका निकल गया ये पी एन आर जो था इसकी, अगर मैं आपसे कहूं इसकी डायमेंशन कितनी है पी एन आर की, तो आप सीधे कह देंगे एन प्लस वन। क्यों, क्योंकि जब डिग्री एटमोस्ट एन है इसकी, क्योंकि इसका जो एन, ये जो एन प्लस वन एलिमेंट है बेसिस फॉर्म कर रहे हैं, कब, जब पॉलिनोमियल लिया गया मैक्सिमम डिग्री उसकी एन है, तो ये बेसिस बना दे रहे हैं, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, सॉरी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, एन प्लस वन। डायमेंशन अगर मुझसे पूछ जाए तो डायमेंशन इज इक्वल टू एन प्लस वन हो जाएगी। कुछ वेक्टर स्पेस दिए हैं आपको, उनकी डायमेंशन को समझते हैं। डायमेंशन का मतलब वेक्टर सेट, बेसिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट। पहले तो देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, वी एन जेड पी, जेड पी की अगर हम बात करें, जेड पी फील्ड होता है, ठीक है, पी प्राइम नंबर है, ठीक है। जेड पी की जो वैल्यू होती है, मतलब उसकी कार्डिनलिटी होती है पी पावर एन होती है, पी क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, पी पावर एन। अगला दिया है हमें वी एन ऑफ जेड पी इज इक्वल टू वी एन ऑफ, यही चीज, इसी चीज को अगर मैं बात करूं पी पावर एन कैसे आया, वी एन ऑफ जेड पी क्या होता है, वी एन ऑफ जेड पी के अंदर वो सारे एलिमेंट होते हैं जहां पे ए आई जो है जेड पी से लिए गए हैं। जेड पी का मीनिंग क्या हुआ, जेड पी इज इक्वल टू होता है जीरो कॉमा वन कॉमा टू अप टू एन सो पी माइनस वन तक। अब कितने एलिमेंट है इसमें, पी, तो ए की चॉइस क्या होगी, पी पी पी, एन टाइम पी का मीनिंग क्या हो जाएगा, पी पावर एन, इसलिए इसकी कार्डिनलिटी जो थी वो कितनी हो जाएगी, पी पावर एन हो जाएगी, ठीक है, वी एन जेड पी की। अगला देखिए, अगला क्या कहता है, एफ एक्स, अच्छा मैं ये बताना चाह रहा था, एफ एक्स पॉलिनोमियल का सेट ये दिया है आपको, ए जीरो ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर अप टू एन सो ऑन, जहां पे ए आई जो है फील्ड के एलिमेंट है, तो ये वेक्टर स्पेस बनाता है, ये वेक्टर सब स्पेस या वेक्टर स्पेस बनाता है। इसी तरीके से अगर सी एक्स कहूं, जो सी एक्स होगा वो ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, ओवर रियल नंबर, ओवर रेशनल नंबर, हमेशा वेक्टर सब स्पेस बनाएगा सी एक्स ऑफ क्यू। और इसी तरीके से क्यू एक्स ऑफ क्यू भी वेक्टर स्पेस बनाएगा, क्यू एक्स ऑफ क्यू की अगर हम बात करें ये भी वेक्टर स्पेस बनाएगा। और अगला हम बात करते हैं पी एन ऑफ जेड पी, इसकी कार्डिनलिटी, ये हमने अभी पढ़ा था पी एन ऑफ जेड पी, इसकी कार्डिनलिटी जो होगी आपकी पी पावर एन प्लस वन होगा, पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल है वो वी एन जेड पी था, यहाँ पॉलिनोमियल की अगर बात की जाए तो पी पावर एन प्लस एन हो जाएगी, ठीक है। अगले हमें कुछ वेक्टर सब स्पेस दिए हैं या वेक्टर स्पेस दिए हैं, इसकी कार्डिनलिटी समझिए आप, डायमेंशन समझिए, मतलब एफ ओवर एफ, कोई भी फील्ड अपने सब फील्ड पे हमेशा या अपने अपने आप पे ही वेक्टर सब स्पेस बनाता है, तो एफ ओवर एफ की डायमेंशन कही जाएगी तो वन हो जाएगी, इसकी डायमेंशन कितनी होगी, वन, इसकी बेसिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट केवल एक हो। एफ एन ऑफ एफ की बात करें तो या वी एन एफ कह दूंगा मैं इसको, ए जीरो अप टू एन सो ए जीरो ए वन डॉट डॉट ए एन, इतने इस टाइप के एलिमेंट होंगे इसमें, इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, एन, डायमेंशन एन का मीनिंग क्या हो जाएगा इसमें, वन जीरो 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 कॉमा जीरो वन जीरो 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 अप टू एन सो जीरो 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 एन, एन टाइम है ये, तो ये डायमेंशन एफ एन ऑफ एफ की कितनी हो जाएगी, एन, एफ वन ऑफ एफ वाई इसकी डायमेंशन वन हो जाएगी, मतलब इसकी बेसिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट केवल एक होगा। अगला देखिए सी एन आर की अगर हम बात करें तो सी एन आर को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया है, सी एन आर का मतलब फील्ड,
वेक्टर स्पेस कॉम्प्लेक्स का है और वेक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर है, और फील्ड में जो अंदर एक्स आई वाई आई है वो रियल नंबर है। यहाँ पे एक्स आई और वाई आई जो होंगे वो रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। अगर डायमेंशन कही जाए इसकी तो कितनी होती है, 2n होती है। सी एन ऑफ आर की जो डायमेंशन होती है 2n होती है। उसका रीजन क्या है देखिए जरा सा, इसकी बेसिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1, 0 डब टू एंड ऑन 0 कॉमा, अगला क्या होगा आई कॉमा 0, 0 अप टू एंड ऑन 0 पहला, और दूसरा 0, 1, 0, 0, 0 कॉमा, इसके साथ क्या आएगा 0, i, 0 अप टू एंड ऑन 0। इसी प्रकार लास्ट क्या हो जाएगा 0, 0, 0, 0, 1 डॉट डॉट 1 कॉमा 0, 0, 0, 0 डॉट डॉट i। तो क्या होगी इसकी डायमेंशन, एक एक करके n ये है, एक एक करके n ये, तो कितने आ गई इसकी डायमेंशन जो हो जाएगी वो 2n हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2n, और इसकी स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी ये होगी, जैसे n वाले के लिए स्टैंडर्ड बेसिस 3n, R3 की स्टैंडर्ड बेसिस में आपसे कहूं तो आप कहेंगे क्या होगी 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। इसी प्रकार सी एन आर की जो डायमेंशन हो जाए मतलब स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएगी वो स्टैंडर्ड बेसिस ये होगी। इसमें एलिमेंट कितने हैं 2n एलिमेंट है, तो इसका मतलब बेसिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट डायमेंशन कहलाती है, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी 2n हो जाएगी। ठीक है, पी एन आर ये तो अभी हमने पढ़ा था, पी एन आर ये बेसिस होती है जिस जस्ट जिससे पहले मैंने आपको बताया था एटमोस्ट n डिग्री का पॉलिनोमियल का सेट वेक्टर स्पेस बनाता है, तो उसकी डायमेंशन कितनी होती है, इसमें बेसिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या क्या होता है 1x.x पावर n, तो टोटल एलिमेंट 1 से लेके n तक ये है, एक ये है, टोटल एलिमेंट कितने होंगे n+1। तो इसका बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस तो ये होगी और डायमेंशन कितनी हो जाएगी, टोटल काउंट करेंगे तो n+1 इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, अब समझते हैं m ऑफ n मैट्रिसेस, m क्रॉस n की मैट्रिसेस है, तो इसका मतलब aij टाइप के एलिमेंट हैं, और जहां पे m क्रॉस n, aij किसको बिलोंग करते हैं, फील्ड को बिलोंग करते हैं, aij फील्ड को बिलोंग करते हैं। अगर इसकी बेसिस सेट की मैं बात करता हूं तो इसकी बेसिस सेट में कैसे एलिमेंट आएंगे, देखिए 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 अब टू एंड ऑन 0, 0, 0, 0 m क्रॉस n का ये हो गया कॉमा, अगला क्या हो जाएगा 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 अब टू एंड ऑन 0, 0, 0 m क्रॉस n। इसी प्रकार लास्ट में जब हम बात करेंगे 0, 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
एलिमेंट कितने हो जाएंगे, एम इंटू एन। तो बेसिस डायमेंशन भी कितनी हो जाएगी इसकी, मैट्रिसेस वाले पोर्शन की, एम इंटू एन हो जाएगी।